नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों का 2 साल से रुका इंक्रीमेंट देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने सोमवार को आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का इंक्रीमेंट मिलेगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को पात्रता के अनुसार लाभ दिया जाएगा। सरकार ने 1 साल के एरियर पर कोई फैसला नहीं लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि इस इंक्रीमेंट का फायदा कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि सालाना इंक्रीमेंट जुलाई जनवरी महीने में होता है। चूंकि शासन द्वारा इंक्रीमेंट को स्थगित करने या रोकने के आदेश नहीं किए गए हैं, इसलिए कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का भुगतान पात्रता के अनुसार किया जाएगा। खास बात है कि पिछले 2 साल से इंक्रीमेंट नहीं लगने के कारण कर्मचारी नाराज थे। इसे लेकर कर्मचारी आंदोलन तक की बात कह चुके थे। इसे देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। बता दें, वेतन वृद्धि के लिए जो फॉर्मूला वित्त विभाग ने दिया है, उसके अनुसार किसी कर्मचारी का जून 2020 में यदि मूल वेतन 69,000 रुपये है, तो 1 जुलाई 2020 में काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद 71,100 रुपये होगा। कर्मचारियों को डीए के लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा।